आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। संत रविदास महाराज की जयंती शनिवार 24 फरवरी 2024 को बहुत परंपरागत उत्साह के साथ शिव की नगरी सिवनी में मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। संत रविदास महाराज की शिक्षाएं आज भी बहुत प्रासंगिक ही मानी जा सकती हैं। संत रविदास शिक्षा मिशन के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, रैली आपको दिखाई दे रही होगी। गुरु संत रविदास महाराज मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सदगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सदगुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिख समुदाय के द्वारा पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल हैं। इन्होंने जात पात का घोर विरोध किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। गुरु रविदास महाराज रैदास महाराज का जन्म काशी में माघ पूर्णिमा रविवार को 1377 संवत में माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था। संत रविदास महाराज चर्म शिल्पी थे। वे चर्म शिल्प में निपुण थे और उनके द्वारा अनेक गुरुओं के संगत सोहबत से बहुत ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हुई थी। साधु संतों की संगति से पर्याप्त ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार संतोख दास उनके पिता और माता का नाम कलसा देवी था, उनकी पत्नी का नाम लूना देवी बताया गया है। संत रविदास महाराज के बारे में ये भी कहा जाता था कि उनके कोई गुरु नहीं थे, लेकिन उन्होंने स्वामी रामानंद महाराज से दीक्षा ली थी और उनके बताए मार्ग पर ही वे साधना किया करते थे। संत रविदास महाराज की जयंती यहाँ देखिए कितने प्रफुल्लित होकर, कितने उल्लास के साथ, परंपरागत उल्लास के साथ संत रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर सिवनी शिव की नगरी में आयोजन किए गए। संत रविदास शिक्षा मिशन के द्वारा इन आयोजनों को संपन्न कराया गया। संत रविदास की शिक्षाएं वर्तमान समय में भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक मानी जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर शोभा यात्रा आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। संत रविदास महाराज की शोभा यात्रा में बच्चे, जवान, बुजुर्ग, उम्रदराज, महिलाएं, पुरुष सभी शामिल हुए। कितनी मोहक प्रतिमा आपको संत रविदास महाराज की यहाँ पर दिखाई दे रही थी। सिवनी में विभिन्न मार्गों से होकर गुजरती हुई संत रविदास महाराज की शोभा यात्रा, संत रविदास महाराज की प्रतिमा के साथ यहाँ से निकल रही है। जगह जगह लोगों के द्वारा संत रविदास महाराज की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। सिवनी शहर में वैसे तो हर साल संत रविदास महाराज की रविदास जयंती के अवसर पर इस तरीके के आयोजन होते हैं और यहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा आयोजन कितना भव्यता के साथ, कितनी शालीनता के साथ, गरिमा के साथ संत रविदास महाराज के जयंती पर संत रविदास शिक्षा मिशन के द्वारा इस आयोजन को संपन्न कराया गया। संत रविदास महाराज की प्रतिमा भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। कितनी मोहक प्रतिमा, वास्तव में बहुत सुंदर और मोहक प्रतिमा आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। आज की पीढ़ी को संत रविदास महाराज के द्वारा दी गई शिक्षाएं, उन शिक्षाओं को अगर आज की पीढ़ी उनका पालन करती है तो निश्चित तौर पर सदमार्ग पर उन्हें चलने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सुंदर मोहक प्रतिमा, इस प्रतिमा की संभवतः यहाँ स्थापना भी की जानी है और ये प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं। संत रविदास महाराज की जयंती के अवसर पर
यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं गुरु रविदास जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। देखिए महात्मा रविदास शिक्षा मिशन, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, राजा प्रजा सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।